2022 को मिथिलेश चौधरी जो वाकई में आज विरोधी कराने वाले हैं, उन्होंने कंप्लेन दिया था कि ईपीसी के नाम से तरुण करके कोई है जो रंगदारी मांगा है पटना शहर में। सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा कांडित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें संलिप्त जो रंगदारी में आया था बाड़ो पासवान उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाड़ो पासवान से लगातार से पूछताछ किया गया गहराई से, उन्होंने बताया कि तरुण जो है झारखंड का रहने वाला है, उसके द्वारा उसे भेजा गया था कि जाकर के पैसा कलेक्शन के। बाड़ो पासवान कहाँ का रहने वाला है? ये बाड़ो पासवान जो है हरनकेल थाना इमामगंज का रहने वाला है। उसके बाद थाना तक लगातार जो इस मोबाइल जानकारी मांगा गया था और जो सूचना बाड़ो पासवान के द्वारा दी गई, इसका सूचना से अनुसंधान करते हुए तकनीकी अनुसंधान के आलोक में पता लगा कि जो झारखंड में है तो उसको प्रतापपुर से गिरफ्तार किया गया। तरुण? हाँ, तरुण पास। उसके पास से जो सिम से मांगा था रंगदारी, वो सिम तथा जो दो मोबाइल इसमें इस्तेमाल हुआ था जिससे रंगदारी मांगा था, दोनों मोबाइल भी बरामद हुआ है। कारतूस वगैरह क्या? कारतूस बरामद नहीं हुआ।